नमस्कार लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं अंशुल अग्रवाल और आशीर्वाद सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ किराना घराने के बहुत बड़े संगीत सम्राट, संगीतज्ञ पंडित मणि प्रसाद जी हैं और हम कर बैठे रहिए, गुरु जी बस हमारे सामने आ रहे हैं और हम गुरु जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नमस्कार, आवाज आ रही है गुरु जी आपको? मेरी आवाज हॉल हॉल का मान इसमें ज्यादा आती है, ये इसमें ये लगा लीजिए, इस कान में लगा लीजिए। हाँ बोलिए। इसमें आवाज आ रही है। आप सुन पा रहे हैं मुझे ऑडियंस में? बिल्कुल जी गुरु जी। सबसे पहले आज के हमारे शो में स्वागत है, मैं पूरी टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां आने का काम किया। बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत अच्छा ये जो है चैनल किया है शास्त्रीय संगीत के लिए। जी गुरु जी, मेरी तरफ से बधाई हो। आपका आशीर्वाद गुरु जी। मैं सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, वैसे तो गुरुजी को सभी ही जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं गुरुजी के बारे में बताना चाहूंगा। गुरुजी ने उनके पिताजी पंडित सुखदेव प्रसाद जी से ज्ञान लिया है। पंडित सुखदेव प्रसाद जी जो किराना घराने के उस्ताद, फाउंडर्स उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, उस्ताद अब्दुल वाहिद खान साहब हैं, उनसे ज्ञान लिया है। पंडित जी सबसे पहले मैं आपका हमारे शो में फिर से स्वागत करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आपके घराने के बारे में और आपके पिताजी साहब के बारे में बताइए ताकि वो थोड़ा सा उनके बारे में जान सकें। जरूर, ये है हमारा ये संगीत जो शास्त्रीय संगीत हमारा ये है खानदानी काल, हजारों साल से लोग संगीत के लोग हैं। मेरे पिता, दादा, परदादा और भी हमारे ताया जी, सब जितने भी हमारे खानदान हुए हैं सब अपने अपने समय के बहुत बड़े बड़े उस्ताद हुए संगीत के। तो हजारों साल से हम शास्त्रीय संगीत के लोग हैं। तो मैं गाता हूँ, मेरा अपना बेटा गाता है, पोता गाता है और भी आगे भी अपनी पीढ़ी जो है चलती रहेगी। हम शास्त्रीय संगीत के संभाले हुए हैं, ये हमारे खानदान है। और दूसरे हमारे पिताजी ने वही खानदान ने झंडा बनाया था, उससे इसे हमारा हिस्सा किराने से भी है, समझ है, बाकी हमारा अपना भी है। वैसे हम पिताजी ने हमारे वही खास साहब से झंडा बना के किया था, बाकी हमारा अपना घराना खानदान है। हजार साल से साधु साल से नहीं, हजार साल से हमारा यही है, यही शास्त्रीय संगीत के लोग हैं। संगीत के लोग हमारे काम ही संगीत है, वो भी शास्त्रीय संगीत। जी गुरु जी, जी जी गुरु जी। अब कुछ लोग हैं जो है फिल्मों में भी आए हैं, वो अलग है। अभी फिलहाल जमाने में नए जो बच्चे हैं, बाकी हमारे जो पुराने लोग मैं हूँ और हमारे जो हुए सब बड़े बड़े विद्वान हुए अपने टाइम के, अपने समय के उस्ताद लोग हुए। एक तो होते हैं म्यूजिक टीचर होते हैं, वो चीज़ अलग है, तो ये विद्वान लोग। जी गुरु जी, मैंने भी इसके लिए बहुत कुछ किया हुआ है। 50 साल तक मैंने रियाज किया, तपस्या की, साधना की और अपने आप को किया। मैंने बहुत सारे राग बनाए हैं, बहुत जी गुरु जी बनाई है, बंदिश बनाई है, ध्यान रख किया के नाम से ध्यान। जी गुरु जी, ध्यान का मतलब ईश्वर का ध्यान, संगीत का ध्यान, इस नाम से मैंने ध्यान रंग किया के नाम से बहुत सारी बंदिश बनाई है और बहुत सारे कुछ राग भी बनाए हैं। और ईश्वर रियाज में मैंने पूरे भारत में बहुत शिष्य हैं, विदेशों में बहुत शिष्य, अमेरिका में, कनाडा में, अफ्रीका में, एशिया में बहुत बड़े शिष्य लोग हैं जो मुझसे सीखते हैं। मैं वहाँ पर गया, सिखाया, रख किया और भारत में भी सब जगह पूरे पूरे भारत में मेरे शिष्य लोग हैं। अच्छा अच्छे गा रहे हैं, मिला रहे हैं।
इस बात की मुझे खुशी है। क्या बात, तो मैं संगीत का लोगों को बताता हूँ, सिखाता हूँ, वो लोग इसका एंड होता है आगे आने की बढ़त होती है संगीत। मैं चाहता हूँ संगीत ज़्यादा से ज़्यादा आए सामने, तो जब लोगों को सिखाएंगे तभी तो आएगा। जी गुरु जी, हाँ जी, बहुत से मेरे शिष्य हुए, सबको मैंने बहुत कुछ बताया है, बड़ा बता दूँ, अभी भी लोग हैं सीखते हैं। मैं यहाँ पर रहता हूँ, मुंबई रहता हूँ आजकल, पहले मैं दिल्ली में था, उसके बाद में यहाँ कर्नाटक में रहा हूँ, आज तो बहुत सब लोग वहाँ कर्नाटक के, यहाँ के, मुंबई के, दिल्ली के, कलकत्ता के, आसाम के, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, सीखते हैं। सबका यह है कि मेरा आशीर्वाद सबके लिए अच्छा गाएं और संगीत को कायम रखें। शास्त्रीय संगीत एक बड़ी सुंदर विद्या है। जी गुरु जी, बड़ी सुंदर विद्या है, पूरी तरह है, कठिन है, उसको समझने में, रियाज करने में, काबू पाने में। और सबसे पहले तो है कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए संगीत में, सबसे पहले तो गुरु अच्छे होने चाहिए। जी गुरु जी, आज की शाम को हमने, जी गुरु जी, आज का जो चर्चा का विषय है गुरु जी, वो आशीर्वाद सीरीज में यही है। हम चाहते हैं कि भारत में जो गुरु शिष्य परंपरा रही है, पहले तो वो सब सब्जेक्ट में होती थी, और आज के समय में अगर हम देखते हैं तो काफी हद तक वो हमारे भारतीय संगीत में देखने को मिलती है। तो इस चर्चा पर हम अभी आएंगे गुरु जी, और जैसा कि तब लोग हमारे दर्शक आपको ज्वाइन कर चुके हैं, क्या हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप उनके लिए कुछ, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आपके संगीत के प्रसाद से नवाज, कृतार्थ करें? जरूर करूंगा, मैं तो है, गाना तो होगा ही मेरा। तो ये मैंने बहुत सारे राग बना है, ये मैंने राग बना है शिव कौश। जी गुरु जी, शिव कौश राग है, और भी मैंने बनाए बहुत सारे राग बना है, और बहुत सारे। जी गुरु जी, ध्यान रंग पिया के नाम से मेरा नाम। मैं गुरु जी इस पर भी चर्चा चाहता हूं कि हम आपके बंदिशों के जो साहित्य के विषय में आपके आपके विचार हैं वो हम जाने आपसे आज। तो डेफिनेटली हम आपकी बंदिशों पर अभी इस पर चर्चा करते हैं। जरूर 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 करेंगे। तो मैं कुछ सुनाऊंगा के? प्लीज गुरु जी। जी जी गुरु जी, मेरा अपना खुद का बनाया हुआ राग है शिव कौश। मेरे साथ में हारमोनियम पर मेरा बेटा दीपक प्रसाद है, और गाने में साथ दे रहा है राहुल, वो मेरा है दीपक का बेटा है। हमारे यहाँ फैल खानदानी है, परंपरा से संगीत भी हमारा, हमारी जिंदगी है। साथ जो मैं आपको इस उम्र में ये आवाज दूंगा।
ये तीन शब्द की ताल है, तीन शब्द खल से होती है। तीन शब्द तो हर एक आदमी के लिए जाते हैं, कोई कोई जाते हैं सब 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 नहीं जाते ni 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 ni
क्या ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, क्या बात है गुरु जी। बेहतरीन, आज के हमारे दर्शकों का मुझे लगता है सप्ताह का सबसे आनंददायक पल रहा है, और आपको सुनने को मिला और आपका आशीर्वाद हम सबको इस पल मिल रहा है, और ये मुझे इस बात की है खुशी है कि आप इसको शास्त्रीय संगीत को इतना वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे हमारे भारत की बहुत बड़ी विद्या है। काफी सारे लोग गुरुजी नीचे लिख रहे हैं हमारे कमेंट्स में कि ये प्लीज ये वाली वीडियो को सेव कर लेना, दोबारा देखना चाहते हैं बार बार। जरूर जरूर, मैं क्या बात है, ये तो हमारा सौभाग्य है गुरुजी आपको, अगर हम मैं तो मतलब ये आज कुछ कहने के हालात में भी नहीं हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है जी। तुम्हारा शास्त्रीय संगीत के लिए प्यार देख के मेरी जी गुरु जी, जी मैं हम डेफिनेटली आपको इनवाइट करेंगे, और हम चाहेंगे कि ऐसी शाम बार बार हम रखें। जरूर जरूर। काफी सारे लोग फिर से लिख रहे हैं कि लाइव सेव कर लेना, आप सबको ये लाइव मिल जाएगा, हम ये लाइव डेली पोस्ट करते हैं हमारे इवेंट के बाद यूट्यूब पर, तो लिंक हमारी बायो में है, और प्लीज क्लिक करें और दोबारा से इस वीडियो को देख लें रियाज रूम यूट्यूब पर। गुरु जी हम चर्चा का आज जी गुरु जी कुछ कह रहे हैं आप, मैं आज की चर्चा, आज की शाम के लिए जो हम चर्चा पर आ रहे हैं, हम गुरु शिष्य परंपरा पर आएंगे, लेकिन अभी जैसे कि आपकी बंदिश हमने सुनी, और मुझे लगता है सब लोग आपके संगीत के बारे में डेफिनेटली जानना चाहते हैं गुरुजी, तो सबसे पहले आपने आपका बंदिशों को लेकर जो साहित्य को लेकर आपकी जो सोच है, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर अपने विचार रखें। वो ऐसा है, ईश्वर की कृपा से मुझे हजारों बंदिशें पुरानी याद जी, पुरानी बंदिशें हैं हमारे यहाँ, हमारे पिता दादा परदादा सब बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, बड़ी बंदिशें याद थी उनको, बहुत राग याद थे, उनसे मैंने सब याद किया है बचपन से। हमारे यहाँ तो पैदा होते ही संगीत होता है, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ अगर माँ के पेट में बच्चा है तो उसी वक्त से संगीत उनको सुनने को मिलता है, यहाँ तक हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ संगीत की और कुछ है, शुरू से आज बचपन से ही संगीत होता है, तो वो सब कानों में दिमाग में आती है बातें। बहुत सारी बंदिश है हमारे पिताजी, बहुत सारी बंदिश है, देखो मैं कुछ अपना पुरानी पुरानी बंदिश है ना सुनाता हूँ, जो खास है ना पुरानी है, सिर्फ मैं बंदिश बंदिश है ना सुनाऊंगा जी गुरु जी प्लीज। हाँ भाई चलो जा, हाँ भाई आओ जाओ, उसको थोड़ा पंचम करना, उसको कुछ बंदिश तुम बंदिश सुना लो। क्या बुलाओ बुलाओ उसको, मोनिका जी हमारे बीच में है, मोनिका जी ने मैं हम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज देखिए, साइज देखिए, उसका चलन देखिए बंदिश का जी गुरु जी प्लीज। पुरानी बंदिश है, साइज बहुत सारी पुरानी बंदिश में बहुत अच्छा साइज होता था जी, बड़े हमारे पिताजी दादाजी परदादी बहुत बच्चे सुंदर बंदिश है, उन्हीं को देख के मैंने ये सब बंदिश बनाई थी जी। जब जड़े रघुवीर रण धीर जड़ लंक पे संग लक्ष्मण बड़ो धनुजधारी, जब जड़े दौड़ चौहान चौड़ लंका, दौड़ चौहान दौड़ चौहान चौड़ लंका, एक से एक अधिक बन, जब जड़े रघुवीर रणधीर जड़ लंक पे संग लक्ष्मण भजो धनुजधारी, जब चढ़े क्या साहित्य उसमें, जब चढ़े रघुवीर रणधीर जड़ लंक पे, उसमें साहित्य भी अच्छा होना चाहिए रागों के साथ में, समझे।
वरना वो ठुमरी वाला चाय तो बंदिश में गाय वो नहीं ठीक रही। आजकल कुछ ऐसे भी होता है कि ठुमरी की बंदिश वो अपने शराब के अंदर ले आते हैं वो ठीक नहीं। सारी बंदिश अलग है, धूपत की अलग होती है, बंदिश है ठुमरी की अलग है, लोकगीत की अलग है और अलग अलग हिसाब की है, गजल की अलग है, कवाली की अलग है, हर चीज की अलग अलग बंदिश होती है, वो एक दूसरे को मिलाना नहीं चाहिए। सारी की बंदिश तो एक अलग होती है। गुरु जी मैं जानना चाहूंगा कि इसमें जैसे ख्याल की बंदिशें अलग हैं और होनी चाहिए, या ठुमरी का जो एक स्टाइल है अगर वर्ड्स का, तो उसमें क्या हमें देखना चाहिए या उसमें आपका क्या विचार है, मुझे हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं आप। बात यह है कि ठुमरी की चलन ठुमरी में हल्का होता है, मन फर्क होती है, ख्याल में वो नहीं होती। उसमें उसमें भूत वाली चाहिए, उसमें वो गंभीर वाला चाहिए, वो हल्कापन नहीं चाहिए। ख्याल वो जो है उसका अपना एक बात है, वो उसमें जी। वो चाहिए उसमें, वो ठुमरी वाली बाजी ठुमरी गाओ, जब ठुमरी अगर अगर ठुमरी गाए और उसमें अगर अगर अगर, अगर वो लगाएंगे गमक लगाएंगे तो फिर कैसा लगेगा, ठुमरी अगर गमक लगाए तो कैसा लगेगा जी। सही बात है गुरु जी जी। जैसे उसमें अगर छोड़ी हुई शादी का हो मोसे वहां तो वहां नजाकत और नफा से चाहिए। साची कहो मोसे बैठिया अब कहाँ गमाए सारी रतिया सारी रतिया साची कहो मोसे बैठिया। ये उसकी नफासत उसकी जो है ना नजाकत चाहिए ठुमरी में, क्या बात उसमें वो गमक की हुई है इसकी जरूरत नहीं समझे। अलग अलग हिस्सा है, जब अगर याद हो जिसको किसी लिए तो गुरु अच्छी चाहिए। सबसे पहले तो शिक्षा अच्छी चाहिए, सबसे पहले गुरु अच्छे हों तो फिर ये सब बातें आती है। छोड़ी हो चाहे वो उसमें सुंदरता डाल दें, वो सुंदरता उसकी अपनी सुंदरता की वो कम थोड़ी ख्याल की, ख्याल की अपनी सुंदरता भी है। और याद तो हो, वो याद नहीं होती तो ठुमरी से लड़े भजन से भजन भजन के जैसा खाते ख्याल वाले भजन अलग चीज है, गजल अलग है, कवाली अलग है, लोकगीत अलग है, फिल्मी अलग है, सब चीजें अलग अलग है। पर उसके लिए शिक्षा तो चाहिए, उसको मारी मनी को गाया जा रहे हैं, ये भी है ये भी हरकत करो वो भी हरकत, तो उसमें क्या है वो हरकत क्या होती है, नाजायज हरकत हो जाती है। क्या बात है। एक हमें कमेंट आ रहा है, गुरुजी का हंसाने का भी अंदाज संगीत में और निराला है। क्या बात है। जो बात है तो बात सही है। मैंने आपको बताया कि मैंने वैसे गुरुजी सुना है काफी, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपका इक्वली गाने के साथ साथ आपका जो मतलब हंसाने का या एक जो हास्य कला है आपके अंदर, व्यंग आपका अच्छा है, मैंने सुना है। आत्मा से खुश रहना चाहिए और खुशी का गाना है ये, दिमाग जिसने खुश रहे तो अच्छा सा संगीत होता है समझे। और उसी में है कि आदमी गहरे में जाता है समझे। जो बात सही है जो मैंने आपको जो बताई वो ठुमरी पर अगर गमक डालेंगे तो क्या हालत होगी जी गुरु जी, नहीं वो उसकी उसकी जगह नहीं है, वो है शाल की जगह है, ध्रुपद की जगह, ध्रुपद की जगह डाली है गमक और शाल में भी है जी। तो एक थोड़ी है, बहुत ज्यादा नहीं वो है, और ध्रुपद में तो खैर बहुत है। अब ठुमरी में अगर गमक डाल देंगे ऐसे ऐसे साल में अगर ठुमरी
तुम नहीं गाएंगे तो कैसा होगा। साल के अंदर अगर बोला अपना भजन की हरकत करेंगे, एक है कि एक तो राग का नियम है सुरों का और एक गाने का भी नियम होता है। क्या बात समझे, एक तो जो राग गा रहे हैं उसके सुरों का नियम है और एक जो गा रहे हैं उसका भी नियम है, इसमें कैसे गाना है। जी सही बात है गुरुजी। तो गाने का नियम छोड़ के कुछ भी उसमें सुंदरता पैदा कर रहे हैं, अरे सुंदरता उसकी अपनी क्या अपनी कम थोड़ी है। ख्याल की सुंदरता इतनी अच्छी है लाजवाब, और उसकी शिक्षा तो चाहिए ना, और शिक्षा नहीं तो कुछ भी गाओ तो बिल्कुल जो है जो इच्छा चाहे जो गाओ। सही बात है, क्या बात है। हाँ तो ये है गाने बड़ी बड़ी सुंदर विद्या है। सबसे पहले मैंने कहा शिक्षा चाहिए, अच्छी शिक्षा होगी तो उसको सब चीज़ों को पता लगेगा, वो ये क्या है ठुमरी क्या है ख्याल क्या है गजल क्या है कव्वाली क्या है वो क्या है और लोकगीत क्या है। और गुरु जी इसमें मेरा एक आपसे प्रश्न आता है कि आजकल के जो बच्चे हैं, आप मतलब जैसा कि आपके समय में और मतलब ये भी आप ही का समय है, लेकिन जिस समय आप संगीत सीखते थे आपके पिताजी साहब से और आपका सीखने का समय था उस समय और आज के समय में आप क्या अंतर देखते हैं सीखने में सिखाने में, और आज का जो मंजर है आजकल के जो बच्चे हैं या जो आजकल की मानसिक स्थिति लोगों की है संगीत के प्रति, या हम बात करें आजकल भागदौड़ी का एक दौर हम देखते हैं, इसमें आप संगीत को कहाँ देख रहे हैं कि वो कैसे सफर कर रहा है या क्या चीज़ है? वो संगीत हमेशा रहा है रहेगा हमेशा रहेगा। वो संगीत के लिए बहुत से बच्चे बहुत से लोग जो चाहते हैं और उनको ठीक से शिक्षा नहीं मिलती, वो बेचारे इधर उधर भटकते हैं और अच्छे गुरु नहीं मिलते, टीचर मिल जाते हैं तो वो टीचरों से तो गाना नहीं होता, वो तो अपना किताब देख देख के अपना सिखाते हैं। ये तो प्रैक्टिकल की है, गुरु चीज परंपरा की चीज़ है, गुरु के सामने बैठो सीखो, और वो भी किताबों से नहीं वैसे प्रैक्टिकल तो होता है। गुरुजी तो ये है, इसीलिए अभी भी कोई कम नहीं है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग सीखना चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं संगीत को, ऐसा कोई नहीं है अब वो नहीं रहा ये ऐसा कुछ नहीं, बहुत लोग मेरे इसमें गुरुजी आते हैं। बोलो जी, मैं पूछना चाह रहा था, मैंने कहा आपका कुछ जब आपने सीखा आपके पिताजी से और मतलब उस समय के कुछ किस्से अगर आप आपके पिताजी साहब के साथ आपके बताएं, जिसमें ज्ञान लेते समय कैसा कैसा एक्सपीरियंस था और उनकी कुछ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बातें जो हमारे आज के जनरेशन के बच्चों को जाननी चाहिए। पुराने जमाने के जो लोग थे वो पिता के वक्त पिता थे, गुरु के वक्त गुरु थे, और गुरु भी सख्त किस्म के। ओके जैसे मेरे हाथ में तानपुर आया मैंने शुरू किया, वो बिल्कुल बन गए गुरु, वो भी सख्त सख्त गुरु, रियाज नहीं करता रियाज, अब मैं हर एक 4-4 घंटे 6-6 घंटे रियाज कर रहा हूँ, उस पर भी कह रहे हैं रियाज नहीं करता है गाना गाता है। अरे रियाज नहीं करेगा कैसे बुलाएगा, रियाज करो, तो मैं 4-4 घंटे रियाज कर रहा हूँ, उसका उनको कुछ असर ही नहीं। तो वो उसके और जब मैं ताल पर हटा के जब सामने आया, अरे आ जा बेटा बैठ के कर क्या कर रहे क्या बात है। मैंने सिखाया बच्चों को, आज सब भी सिखा रहा हूँ बड़े प्यार से, अपने हंसते हुए खुश होते हुए, कभी मैंने इनको डांटा नहीं। हाँ कभी कुछ बहुत देर से हो जाए तो फिर ठीक करो ठीक करो, वो प्यार से सिखाता हूँ, ऐसे नहीं किससे नहीं। तो आपके आपके अनुसार गुरुजी संगीत एक संगीतकार को सिर्फ और सिर्फ एक मतलब अगर किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आता तो स्वर पर तो आ ही सकता है। हाँ ये होता है, उससे क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में सुर है, हमारी जितनी नसें हैं और पूरे शरीर के अंदर सुर आता है तो आनंद मिलता है, और दूसरा होता है तो वो नसें जो है ना हिलने लगती तकलीफ होती है, दूसरा सुर जैसे सुर से आनंद मिलता है ऐसे दूसरे से तकलीफ भी होती है, समझे। सुर से अगर वो लोग भी गीत भी गाए तो भी कोई बात नहीं, ये जरूरी नहीं कि वो ख्याल गाए ध्रुपद गाए, लोग भी गा रहे हैं बहुत अच्छा गा रहा है तो क्या बात है, और सुर में गाया असरदार गाए, गाने में असर चाहिए और बिना वजह गाने लगा रहे हैं दबक डाल रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कुछ असर ही नहीं। जैसे मैं देता हूँ मिसाल देता हूँ कि खाना बना हुआ है, बहुत सारे खाने बने हैं, बहुत ये वो वेज नॉन वेज बहुत कुछ, सिर्फ एक है नमक नहीं डाला क्या सही बात है गुरु जी।
खाना तो फिर बहुत सारा है, बना बनाया खाना खराब हो गया, मजा नहीं आया। ये सभी चीजें है उसमें, वेज नॉन वेज दुनिया भर की चीजें बनी हुई है, नमक जो है भूल गए, नमक नहीं है। हाँ क्या उसका आएगा टेस्ट, आएगा नहीं आएगा, सही बात है। ऐसे ही गाने में असर चाहिए, चाहे कुछ भी गाओ, लोकगीत गाओ। तो गुरु जी आपके हिसाब से गाने में असर जो है वो नमक है ना, मैं जैसे कि खाने में नमक चाहिए ऐसे गाने में असर चाहिए। तो गुरु जी गाने में नमक क्या है? गाने में नमक सुर है, असर है, आवाज का लगाव है, सुर का लगाव है। जी क्या बात है, सुर का लगाव जो है, देखिए ऐसा है ना कि सुर में तो बहुत लोग गाते और लय में तो सबसे ज्यादा गाते, यही लगाते हैं, नौ धार लगाते हैं ऐसा है। मुझे तबला है बहुत याद है, और मैं कभी तिहाई नहीं, तिहाई नहीं लगाता, गाने के बाद सीधा फीका, क्योंकि गाना एक अलग चीज है, वो जी। डांस नहीं, वो डांस में होता है तिहाई, नौ धार, सताईस धार, इक्कीस धार, मुझे सब याद ही है, और मैं ये तबला मुझे बहुत याद है, मगर मैं गाने के वक्त में ऐसा लगता है मुझे ये तबला याद नहीं है। गाने के वक्त क्या सुर और राग और असर, सुर का लगाव, तो बहुत से लोग सुर में गाते हैं और बहुत से लोग बहुत गाते हैं, मगर सुर का लगाव में कोई कोई गाता है, सुर के लगाव में कोई कोई गाता है, तो सुर का जो लगाव है वो आना चाहिए जिसमें असर होता है। लगाव से आदमी बेचैन हो जाता है सुर में, तो गाने से तो लोग रोने लगते हैं, अगर गाना जो समझते हैं तो गाने ऐसा सुर लगा के आँख में से आंसू आ गए, इतना सुंदर विद्या है, मगर उसको समझ चुकी है ना, गाने वाले के असर चाहिए गाने में, बिना वजह गमक गा रहे, बिना वजह गा रहे, बिना वजह तीर्थ सत्य जा रहे, दूसरे को जाने मतलब वो नहीं जी, थोड़ा ही गाओ मगर उसमें असर चाहिए गाने। क्या बात, वही मैंने वही कहा ना, इसलिए गाने में असर चाहिए, खाने में है टेस्ट चाहिए, इसलिए खाने में नमक नहीं और असर नहीं जी। क्या बात, जरूरी जरूरी है कि गाने में असर चाहिए, क्या वो कुछ भी गाए, जरूरी नहीं कि ध्रुपद गाए, ख्याल गाए, लोकगीत गाओ। गुरु जी हमें जी आप कहे जी जी हाँ बोल बोल, हमें नीचे तीन चार कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट आ गए हैं, और उनमें से दो तीन लोगों का आपसे रिक्वेस्ट है भूपेश्वरी के लिए, राग भूपेश्वरी के लिए, क्योंकि आप ही का बनाया राग है और इसे आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। हाँ ये राग मैंने मैंने है ना मेरे आपने बनाया हुआ, 50 साल पहले मैंने इसकी क्या किया था, रिकॉर्ड किया था, और भूपेश्वरी और भी मैंने बहुत राग बनाया, एक बनाया ध्यानी कल्याण, ध्यान कल्याण जी गुरु जी जी, और ध्यानी चोरी जी गुरु जी, ऐसे राग बनाए हैं, बनाता हूँ, बड़ा हुआ मशहूर हुआ, तो बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है, तो वो अपने नाम से कुछ भी लेते हैं। राग विहंगिनी, नहीं विहंगिनी तो है हमारे यहाँ का पुराना राग, बहुत बढ़िया था, फिल्म okay. वो एक फिल्म में आया था, सुनियो जी अरे भारी हो, वो दत्ता जी ने गाया, हृदय दास का म्यूजिक था समझे, तो ये मंगेश के साधन हमारे, इनके पिता मेरे पिता के शिष्य थे जनानाथ मंगेश जी, इसलिए वो हमारा एक रिश्ता है वो गुरु शिष्य का, तो वो मैंने राग दिया था उनको, विहंगी राग है वो, उसमें सुनियो जी अरे भाई, उन्होंने एक राजस्थानी पिक्चर बनाई थी देखी थी, उसमें वो था, तो वो मैंने वो दिया था, वो एक संत की याद में है सुनियो जी अरे भाई, क्या बात है, वो बहुत अच्छी चीज है, तो फिर वो लता जी गाई तो क्या बात है, वो तो वैसे अच्छा गाने का जवाब ही नहीं, आज तक जितना भी गाई वो सब सुपर फाइव सुपर हिट, ये भी नहीं कोई 19 नहीं 21 25 50 100 जो भी गाने गाई आज तक लाजवाब गाई, और क्या बात है, इतना सुरीला, इतना सुरीला, इतना असरदार गाना, गाने का असर है, बारीकी को वो कहती है दाना खटका खा, मूर्ति जो भी है बहुत सुंदर है, तो वो उन्होंने गाया तो बहुत ही अच्छा गाया, वो जो भी गाते हैं बहुत ही बिल्कुल लाजवाब गाती है, ये है मैंने सुना है गुरु जी। हाँ ये इसके लिए असर लोकगीत गाओ चाहे लाइट गाओ कुछ भी गाओ असर चाहिए, सही बात है, उसके उसके लिए अच्छे गुरु की शिक्षा होगी तो उसको सुर का लगाव मालूम होगा, सुर का लगाव हो जिससे असर होता है, सुर में तो होता है, सुर सुर तो ठीक है, सुर से पहले एक तो क्वालिटी, आवाज की क्वालिटी फाइन चाहिए, आवाज जो है वो बहुत सुंदर चाहिए, आवाज की क्वालिटी होती है, आवाज ही तो उसको बनाना पड़ता है, और उसमें फिर सुर, उसके बाद सुर, और फिर सुर का लगाव, सुर के लगाव से असर होता है,
इसमें ऐसा सुर का लगा हुआ गाल में बिल्कुल बेहतर हो जाए, जो जानते हैं उनके लिए, तो नहीं जानते तो उनके लिए तो कुछ है नहीं। तो समझते हैं संगीत को उनके लिए तो बहुत बहुत असर होता है, समझे। और सर ये चीज़ बताओ, मैं तुमसे अपने पूछना चाहती हूँ, शास्त्रीय संगीत का कैसे आया अखबार विभाग में? गुरु जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइट भी सुनता हूँ, क्लासिकल भी सुनता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शास्त्रीय संगीत की अपनी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम सिर्फ लाइट म्यूजिक की भी बात करें तो एक अच्छी कंपोजिशन, एक अच्छी सांगीतिक, अगर अपने सांगीतिक दिमाग में आती है उसके लिए रियाज करना, भजना संगीत तो बहुत जरूरी है, जो हमारे रागों में रमन बेहतरीन तरीके से किया गया। क्या तुमने कहीं पर सीखा है संगीत? मैंने गुरुजी पहले सीखा है थोड़ा सा। किनसे? हमारे उस्ताद जी हैं, एक पंडित राजेंद्र सिंह जी हैं और उस्ताद मनिंदर सिंह जी हैं दिल्ली में। राजेंद्र सिंह तो बाहर होता है ना, तिलक नगर में। जी जी वही वही, वही वो तो उनसे कुछ समय सीखा है। वो जी मेरा शिष्य सरदार है। जी गुरुजी सरदार है और जी गुरु अच्छा गाता है, बहुत ही खुशी है मेरा। जी गुरु वो तो शिष्य हुआ था जी, वो रहता है तिलक नगर में। जी गुरु जी है ना? हाँ जी गुरु जी वही रहते हैं। हाँ तो अच्छा अच्छा है। जी गुरु जी बहुत अच्छा अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा है। जी गुरु जी गाना भी ठीक है उसका। जी मेरे पास आया था, मेरे से उसने है सीखा राजेंद्र। अच्छा जी बोझ मैंने कहा तुम्हें ये शास्त्रीय संगीत का कैसे लगा? बोल कर बड़ी बड़ी है, सुंदर विद्या है और सही बात है, संगीत जो है वो शास्त्रीय संगीत ही है। जी गुरु जी सब शास्त्रीय संगीत समुद्र है, बाकी सब नदी नाले तालाब ये है। तो ये कि अगर नदी नाले भी निकले तो वो अगर ये बेस अगर रहेगा तो मुझे लगता है उनका जल भी थोड़ा सा शुद्ध रहेगा। नहीं उसी में से जल आता है, जब बादल आते हैं बारिशों में तो समुद्र में से बादल उठते हैं, वही नदी नाले में आ जाते हैं। जी गुरु जी तो समुद्र का ही है, पानी है, आप उसमें कैसे उसे रखना है, कैसे पीना है, कैसे जाना है, ये उसमें है। उसके लिए गुरु बताते हैं और उसको फिर उसे ध्यान रखना है, फिर उसको सोचना है, हमें इसको सुंदर बनाना है, अच्छी आवाज़ बनानी है। सबसे पहले आवाज़ की क्वालिटी फाइन चाहिए और सिर का लगाव अच्छा। जी गुरु जी वो चाहिए, ये नहीं कि गा रहे ये राग है वो राग है, राग नहीं, अच्छा गाओ भाई, अच्छा सुर में गाओ, अच्छा सुर का लगाव गाओ, तो वो है बात। मैंने कहा कुछ भी गाओ, लोकगीत गाओ, कुछ गाओ, ख्याल गाओ, कवाली गाओ, गजल गाओ, कुछ गाओ, उसमें असर चाहिए। सही बात है गुरु जी, जी बिल्कुल ठीक बात जी। हाँ और बड़े भारी दुर्गत गा रहे हैं, बिहार हो रहे हैं, पथा के पाल में झगड़ा हो रहा है, झड़ा झूम झूम ये तो प्यार की चीज है, इबादत की चीज है, सही जो है इबादत है, भक्ति। सही बात है, हम इसको भक्ति के रूप में देखते हैं, हम सुरों में ईश्वर को देखते रहते हैं जी। हम जो है सुरों में ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, ये सात देवता है, सात सुरों में हम ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, उसी का आनंद लेते हैं। मन का संगीत जो है वो तो शास्त्रीय संगीत, बाकी सब जी गुरु जी हैं, और गाना में असर चाहिए, वो सुर का लगाव होगा तो अच्छा होगा, इसके लिए अच्छे गुरु की जरूरत है, अच्छी शिक्षा। गुरु जी एक मुझे लगता है कि एक नए स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जैसे जो जिन बच्चों का एक संगीत वाला बैकग्राउंड नहीं है, एक अच्छे गुरु के पास कैसे, क्योंकि काफी सारे बच्चे हमारे पास रियाज रूम पर अराउंड 18-19 हज़ार के आसपास, 18,500 के आसपास फॉलोवर्स हैं, और ये सब भारत के अलग अलग हिस्सों से हैं, और अराउंड 5,000-6,000 हैं। अब उन लोगों को काफी हद तक आइडिया नहीं होता है जब वो शुरू करते हैं कि उनको किसके पास जाना चाहिए सीखने के लिए, तो एक बेसिक लेवल पर एक स्टूडेंट कैसे डिसाइड करे कि मुझे कहाँ सीखना चाहिए? भाई पहले ऐसा है ना, पहले किसी अच्छे विद्वान के पास जाओ, फिर उसके बाद में जो गुरु लोग हैं प्रैक्टिकल गाने वाले, कुछ गायक हों, बातों वाले नहीं, ये राग ऐसा होता है, ये राग ऐसा, थाट ऐसा होता है, बात ऐसी वो नहीं, पैटी का दिखाए थाट ऐसा होता है, वादी ये होती है, संवादी होती है, ये होती है, आबादी होती है। जी प्रैक्टिकल गा के सुनाए, भैया ये है गाना, इसको याद करो, आवाज़ को ऐसे बनाओ, सुर को ऐसे लगाओ, राग को ऐसे गाओ, वो उनको अच्छे गुरु की जरूरत है, वो सीखेंगे अच्छा गाएंगे, और वो उसमें पढ़ गए पढ़ाई में उसमें, तो फिर लिखने का काम नहीं है, गुरु के सामने बैठो और सीखो, ये सही बात है, गुरुमुख विद्या है, ये है गुरुमुख विद्या, गुरु के सामने रहो, ज्यादा से ज्यादा गुरु के पास रहोगे तो बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, गुरु के सामने गुरु के साथ रहोगे
तो हजारों बातें वैसे सिखाने के लिए होती है, वैसे भी बैठे तो मेरे मुझसे हजारों बातें लोगों को बनी थी। मेरे पास बैठे हैं तो मैं संगीत की बातें करता हूँ, मेरे पास तो संगीत की बातें विद्या की बात होती है, तो उसमें मेरी बातों में भी संगीत है। अगर कोई चीज उसका तो अरे ये तो है बेचड़ा है, कोई चीज अच्छी अरे बहुत ज्यादा सुनना है भाई, तो संगीत की भाषा भी होता था। इसलिए इसका और दूसरे सबसे ज्यादा रियाज ज्यादा सीखने के अलावा रियाज भी बहुत बहुत करना पड़ता है, तो रियाज नहीं होता है वो सीखना ज्यादा चाहते हैं, रियाज नहीं करना चाहते, रियाज करो दो घंटे। इसमें एक डाउट आता है गुरुजी, लोगों का कहना है कि रियाज दो घंटा करके भी बात बन जाती है तो ज्यादा करने की जरूरत होती है, कुछ लोगों का कहना होता है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए। कुछ लोगों का कहना होता है कि 8-10 घंटा रियाज करने की जरूरत नहीं है, 2-3 घंटा करने से भी बात बन जाती है, तो इस पर आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है? मेरा ये विचार है कि अगर बहुत से लोग बिल्कुल ही रियाज करें तो भी बात बन जाती है। अरे रियाज बिना कभी होता है क्या? रियाज बिना नहीं आएगा, 2-3 घंटे की 10 घंटे की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है। बहुत तो सबसे पहले तो शिक्षा चाहिए और क्या रियाज करना है ये भी चाहिए, रियाज किस चीज का करना है, बात ये है ना, रियाज तो करना है किस चीज का, वो तो रियाज जितना करेंगे उतना वो साफ होगा। इसके लिए गुरुजी कुछ गुरु मंत्र देना चाहेंगे अब हमारे दर्शकों को? गुरु मंत्र तो ये है कि अच्छे गुरु से सीखो और खूब रियाज करो, और क्या रियाज करना है ये उनसे मालूम, समझे? और ये जी ये संगीत जो है ना किताबों में लिखने की चीज नहीं है, गले में लिखने की जरूरत है, दिल में लिखने की जरूरत है, दिमाग में लिखने की जरूरत है। क्या बात है, क्या बात समझे? संगीत जो है वो दिल दिमाग और गले में लिखने की जरूरत है, किताब में लिखने की जरूरत है, किताब में तो दिल दिमाग और गले में लिखने की जरूरत है। क्या बात है, तो कोट है। क्या बात है, वो साहित्य नहीं है, जो साहित्य किताब में लिखा वो तो साहित्य, बंदी जो है साहित्य है, वो संगीत नहीं है जी। जो लिखते हैं वो साहित्य है, वो संगीत नहीं है, संगीत है स्वर है, स्वर का नाम से संगीत है, तो स्वर तो दिल और दिमाग में और दिल में लिखा जाता है। वो राज गुरुओं से शिक्षा मिले, सुनने को मिले, रियाज करने को मिले, तो फिर संगीत होता है। क्या बात है? वैसे नहीं, हाँ ये शिक्षा है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे गुरु से सीखो, जो प्रैक्टिकल को बातों वाले नहीं, ये राग ऐसे होता है, वो राग ऐसे, ये राग है सुबह का, ये दोपहर का, ये रात का, ये रात के 2 बजे का, वो क्या बात है गुरु जी, जाके सुनाओ बस, जाओ बस जाओ और सिखाओ, ऐसे रियाज करो, रियाज क्या करना है ये भी एक चीज है, ये भी है राज, रियाज का मतलब है राज, वो राज जो है वो मतलब इस चीज का राज करो, ऐसे रियाज करो, तब जाके आपका अगर चीज कर रहा है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं जरूर होगा, और उसको अच्छी शिक्षा चाहिए, इसलिए मैं हमेशा अच्छे अच्छे गुरु की जरूरत है, और वैसे सीखने से टीचर से सीख लिया, उससे सीख लिया, उससे सीख लिया तो उनको नहीं आएगा, वो फिर जागो मोहन प्यारे गाँव के जागो प्यारे वो नहीं है, अच्छे गुरु की शिक्षा जरूरी है जी। सबसे बड़ी चीज क्या बात है गुरु जी, गुरु जी क्या हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ प्लीज आप कहें। क्या मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा हम आपसे राग भूपेश्वरी अगर सुन सकते हैं, वो आपका राग है और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसको जाने। जरूर आप भी मेरा जरा मेरा पंचम मिला re 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 Da 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 da
आज मोरी आली तरे बे मोरी रेना बीत जाए रेना बीत जाए कैया नाई आए आज मोरी आली कैया नाई आए काश कहूँ अब मन की बतिया काश कहूँ मन की बतिया जान रंग पिया मन भाई कैया नाई आए आज मोरी आली कैया नाई आए गले 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 तरफ मोरी रहना बीत जाए तरफ मोरी रहना बीत जाए कैया नाई आए कैया कैया जी आप कुछ कह रहे हैं? बोलो। मैं कहना चाह रहा था कि आप, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा गुरुजी की उम्र अभी 90 साल है और गुरुजी इस उम्र में भी गुरुजी और आपका गाने में जो तासीर है या जो असर है अभी भी, मतलब क्या बात है, ये कृपा है हमारे हमारे है, गुरुओं का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है और हमारी मेहनत है जी। गुरुजी इसमें मैं दो चीजों में आप पर बात जी बोलो बोलो। अभी भी मैं रियाज करता हूँ बहुत, मुझे रियाज का मुझे संगीत का शौक है, सुबह दोपहर शाम वैसे ही बैठा हूँ तो रियाज कर रहा हूँ, बंदिश बना रहा हूँ, गा रहा हूँ, तो 24 घंटे संगीत संगीत रहता है दिमाग में जी। क्या बात, रियाज रियाज होता रहता है जब तक उसके अंदर दीवानगी नहीं आती ना संगीत में, अपनी इल्म में कोई भी विद्या हो उसमें जब तक दीवानापन नहीं आएगा जब तक वो नहीं आएगी। क्या बात, पढ़ाई हो लिखाई हो कुछ हो कोई भी विद्या हो उसमें जब आदमी दीवाना हो जाता है बस ये चाहिए मुझे चाहिए चाहिए
तो फिर बात जी कभी चौक ही कर दिया, कभी चौक ही बैठ गए, कभी नहीं बैठे, कभी हो गया, कभी नहीं हुआ, तो फिर वो भी वैसे ही रहता है। संगीत भी ऐसा होगा, कभी सुर लगेगा कभी नहीं लगेगा। हमने वो पूरी तरह से संगीत हो गए तो फिर वो भी हमारा हो गया। क्या बात है, ये भी गुरु जी कोट है, हम संगीत के हो गए संगीत हमारा हो गया। बिल्कुल ये बात वो क्या बात है, लोग नहीं करते थे, मुझे ये करना होगा ना, बीच में संगीत भी करते तो संगीत आता नहीं, आवाज ही नहीं ठीक होती, गाना तो बाल की आवाज की क्वालिटी ठीक नहीं होती। क्या बात वो है, तो मैंने आवाज की क्वालिटी उसमें असर सुर और सुर का लगाव और फिर उसमें फिर अपना फिजर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, हजार बातें समझे, वो है उसकी अच्छी अच्छी शिक्षा, अच्छा अभ्यास। लोग कहते हैं ज्यादा ज्यादा जितना ज्यादा करेंगे उतना होगा। पुराने तपस्वी लोग वर्षों तक तपस्या के अंदर बैठे हुए, उनको नहीं करेंगे, उनको 15-20 मिनट तक तपस्या करना चाहिए। पहाड़ों में वर्षों बैठे तपस्या कर रहे हैं, आज के हिसाब से 15 मिनट तक तपस्या करनी हो गया। क्या बात है, तपस्या ही है, सही बात है गुरु जी, लेकिन आज की तपस्या ये 15 मिनट से बढ़ानी पड़ेगी, जो लोग 15 मिनट वाले हैं। अच्छा वो 15 मिनट का गाना होता है, वो वैसा गाना नहीं होता इस पर आवाज। हाँ इस चीज पर मैं गुरु जी आपसे जानना चाहूंगा कि सीखने को लेकर, और संगीत की वो एक कहते हैं कि से हमारे शास्त्रीय संगीत को सीखने से भी एक अदब आता है इंसान के अंदर, और एक अदब के साथ साथ एक व्यवहार आता है, हम व्यवहार समझते हैं, और जैसे जैसे व्यवहार समझते हैं उसके बाद ही हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट जागती है हमारे गुरु और संगीत के प्रति बहुत ज्यादा। मुझे लगता है एक समय के बाद आपका गुरु जी क्या मत है इस बात पर, क्या विचार है, गुरु शिष्य परंपरा आपके शब्दों में क्या है, और आपका एक्सपीरियंस इसमें कैसा रहा, और आज के समय में आप कैसा क्या देखते हैं कि आज के बच्चों के लिए आप क्या चाहते हैं उनके लिए गुरु शिष्य क्या? बात ये है ना, अच्छा गाना गाना हो और हमारे जो भारतीय संस्कृति में खास किस्म का गाना गाना, अच्छे राग गाना, अच्छी आवाज बनाना हो तो अच्छे गुरु से शिक्षा लेनी पड़ेगी, उसके बिना होगा नहीं जी। आवाज की क्वालिटी नहीं बनेगी और गाने का अंदाज नहीं होगा, वो हल्के हल्के किस्म का गाना तो घर गाएंगे मगर वैसा नहीं गाएंगे जी, वैसा नहीं गाएंगे जैसे कि उस साल लोगों ने गाया, जैसे कि अमीर खान थे, बिल्कुल गाए। तो आपके शब्दों में गुरु शिष्य परंपरा क्या है? गुरु शिष्य परंपरा है बहुत खास चीज है, पुत्र और पिता का रिश्ता है, पुत्र पिता का रिश्ता है। क्या बात है, वो जो प्यार है आपस में, वो एक वो प्यार जो है वो इल्म है, उनको इल्म दिया जाता है अपने इतने वर्षों की तपस्या, और हमने इतने वर्षों तक तपस्या की वो हम अपने शिष्य को देते हैं, हमारी जो साधना की हुई है वो हम अपने शिष्यों को देते हुए लेते जाते, वो बहुत उतना नहीं करता। क्या बात है, वो परंपरा हम इतने वर्षों से इल्म इकट्ठा किया हुआ है, और इसके अलावा हम हैं ना वो खानदानी लोग हमारे पिताजा मतलब हमें तो घर से मिलता है, और उसको हम फिर करते हैं, तो पुराने लोग सिखाया नहीं करते हमारे, इसमें भी पुराने लोग अरे ये चीज़ याद करें हल्की सी चीज़ बता ली, पर मैं ऐसा जो नहीं करता, मैं सिखाता हूँ बाकायदा, ये है कि रियाज करो, रियाज चाहता हूँ रियाज करो, रियाज करोगे तो गाओगे, रियाज नहीं होगा तो गाओगे नहीं, फिर अपने बातें करो, राग ऐसा होता है, ये यूँ होता है, ये चार्ज ऐसा होता है, खाट बाट रियाज होता है, होता सही बात है, रियाज के लिए तो शिक्षा और अभ्यास के लिए होता है। आजकल के बच्चों को थोड़ा सा गुरु जी ये भी होता है कि तैयारी को लेकर बड़ा वो करता है कि तान फास्ट होनी चाहिए, या कायदे की होनी चाहिए ना, एग्जैक्टली उसमें जी राग तान फास्ट होना चाहिए, जरूरी बात है, हमारे इसका हिस्सा है वो जी, तान तो होनी चाहिए मगर वो राग के नियम के हिसाब से होना चाहिए और क्वालिटी के हिसाब से, तान की जो क्वालिटी है वैसा चाहिए, समझे, वो है वो भी जरूरी है, पुराने उस्ताद ने किया, अपना वो गुलाम अली खान साहब ने बहुत अच्छी की तारीफ की, अमीर खान ने जो है बहुत अच्छी की तारीफ, और भी पुराने लोग हुए, और हमारे पिताजी बहुत मतलब तैयार गाते थे, हमारे पिताजी बहुत बिल्कुल तैयार गाते थे, और मैं भी अपने उम्र में बहुत गाया हूँ, तैयार गाया हूँ,
मेरे है ना पुरानी पुरानी रिकॉर्ड है समझे जी। अब इस उम्र में ज्यादा तार नहीं है लफे की, बाकी मैं जो पुरानी रिकॉर्ड है उसमें तो घंटों तक तार जा रहा हूँ स्पीड में बिल्कुल तैयारी। आज से पहले उम्र अब इसमें 90 साल की उम्र में तो इतनी तार नहीं जा सकती। जी 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 गुरु जी, मैंने ऐसा भी सुना है जी इतनी साफ सही। हाँ जी हाँ जी आप कुछ कह रहे हैं, मैंने ऐसा भी सुना है कि जी आप प्लीज कहिए। मैं लता जी के पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी, उन्होंने आपके पिताजी साहब से भी संगीत सीखा है, मैंने सुना है ऐसा। पिताजी के शिष्य थे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, हमारे पिताजी के शिष्य रहे। जी 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 उन्होंने उनको बहुत बहुत सिखाया। उनकी वो नाट्य कंपनी थी नाटक कंपनी थी दीनानाथ मंगेशकर जी की। बहुत बहुत अच्छे विद्वान लोग थे, बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छे एक्टर थे दीनानाथ मंगेशकर जी, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर। बहुत विद्वान थे, बहुत अच्छा सुरीला गाते थे और बहुत बड़े एक्टर थे, सभी बातें बहुत बहुत बड़े विद्वान लोग थे। तो वो हमारे पिताजी के शिष्य थे, तो वो हमारे पिताजी उस नाटक कंपनी के थे समझे। उनको याद थे पूना में इधर उधर सब महाराष्ट्र में बहुत सिखाया उनको समझे। तो गुरु जी आपका भी कभी ऐसा हुआ? जी जी प्लीज। हाँ बोलो बोलो आप कुछ कह रहे हैं आप बताएं। नहीं आपका कंप्लीट करिए, मैं आता हूं दोबारा से इस पर। हाँ बिल्कुल ऐसा उन्होंने सिखाया उनको, बहुत बहुत सिखाया। और क्या बात है, मैंने भी सिखाया हिजलाल मोहित को काफी सिखाया। अच्छा हाँ, तो आपने दीनानाथ मंगेशकर जी को, हृदयनाथ जी को भी सिखाया। इवन मैंने सुना है आपने आशा भोसले जी को भी सिखाया है। आशा भोसले ये सब मंगेशकर खाना वैसे हमारे यहाँ के शिष्य थे जी, पिताजी शिष्य थे। और तुमने देखा होगा लेकिन पीछे में ये जो है ये मैंने तो दिया था उसको। अच्छा एक एक आशा का मेरा है एक है ना कि वीडियो है देखना कभी, आशा भोसले का मेरा एक है ना वीडियो है, देखा आपने? मैंने नहीं देखा गुरु जी। हाँ वो देखना, मैं लेकिन डेफिनेटली देखूंगा। वो उसमें मेरा देती परिचय देती है कि ये हमारे हैं चचा हैं हमारे, ये हैं तो बहुत अच्छे जो सही बात की उसने बताई। तो मेरे पिता इनके पिताजी खुश थे आशा भोसले, क्या बात है। और वो भी गाड़ी मैं गा रही हूँ, वो गाती लाइट में उसको फिर शादी संगीत के होता गाता हूँ, ये जरा देखना उसमें क्या बात है। में मैं डेफिनेटली गुरु जी देखूंगा। यूट्यूब पे होगा या फाइल पे आएगा देखे। अभी काय में है राहुल, काय में है वो आशा जी का यूट्यूब पे मैं देख लूंगा गुरु जी, डेफिनेटली मैं देखूंगा। हमारी ऑडियंस भी पूछ रही है कि यूट्यूब पर है क्या? हाँ जी यूट्यूब पर है, आप सबको मिल जाएगा और आप प्लीज सर्च करिए। हाँ उसमें वो गाती है गुरु जी जी, लाइव गाती है, रहमान के गाने गाती है, मैं उसमें साथ। ओके क्या बात है, रहमान बहुत अच्छी अपने म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनका, उन्होंने गाया जी जी जी, और भी कुछ लोगों को गाया तो मतलब मेरे बारे में अपने उन्हें परिचय दिया। वो बहुत अच्छी है, खुद बहुत अच्छा गाती है, बड़ी अच्छे खानदान से संबंध है, बहुत अच्छा अच्छा गाया उन्होंने, आशा जी ने भी बहुत अच्छा गाया। क्या बात है गुरु जी। एक चीज और, आपके राग भूपेश्वरी में मैंने सुना है लता जी का कोई गाना शायद आया था, या एक कभी कमेंट में हमारे दिव्यांशु जी ने पूछा है अब के बिछड़े मेहंदी हसन साहब का कुछ, वो राग भूपेश्वरी में है। हाँ ऐसा है, मेहंदी हसन मेरे खास दोस्त थे। अच्छा क्या बात है, मेहंदी हसन मेरे खास दोस्त थे बिल्कुल, तो फैमिली यानी रिलेशन जो है हमारी। क्या बात है, तो वो हम बैठे रात भर गाए हैं, भूपेश्वरी गाए हैं, वो ध्यान कल्याण गाए हैं और गाए, बहुत गाए हैं समझे। वो मैं कभी मेरे को मैं अपना है बताऊंगा। तो मैंने सुन तो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े ऐसी अच्छी गजल गाए कि वैसी गजल कोई नहीं गा रहा, ऐसा साहित्य और ऐसे सुर ऐसी आवाज लाजवाब। क्या बात है, मेरे अच्छे दोस्त खास मैंने सुन। और हमारे यहाँ के राजस्थान मैं हूँ राजस्थान का, वो भी थे उनके राजस्थान जी, बहुत अच्छे लोग, इंसान भी अच्छे थे और गाना भी अच्छा, लाजवाब बहुत अच्छा गाया, ऐसी यानी गजल गाई थी बहुत बेहतरीन। गुरु जी एक सेशन ये 20 सेकंड में खत्म होने वाला है और मैं इस सेशन को कंप्लीट करता हूं और दोबारा से एक सेशन लगा के इसको हम अच्छे से विराम देते हैं, दोबारा से आता हूं मैं दोबारा से आ रहा हूं अभी। अच्छा आप राहुल भाई को बताइए, वो दोबारा लगाएंगे। अच्छा
ये एक बार एक घंटे के बाद दोबारा आता है जी।